नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। अभी अभी ताजा जो अलायंस है विपक्षी पार्टियों का वो हुआ ही था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आए ही थे, लेकिन फिर दोबारा यहां पर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विरोध देखा जा रहा है। और यहां पर विरोध कहां देखा जा रहा है, पंजाब में देखा जा रहा है, जहां पर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंक आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी सत्ता काबिज करी। और तभी से दिल्ली कांग्रेस के नेता और दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार यहां पर अरविंद केजरीवाल से खफा खफा दिखाई दे रहे हैं। और जब ये पूरी मुहिम चल रही थी कि विपक्ष दलों को एक किया जाए, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए, तभी से ही यहां पे विरोध इसका जो है दिल्ली के कांग्रेस नेता और पंजाब के कांग्रेस नेता लगातार कर रहे थे कि यहां पर आम आदमी पार्टी का लक्ष्य एक ही है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म किया जाए और उनसे ही चुनावों के लिए संधि करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और देखा भी क्या जा रहा है कि एमपी अब पहुंच जाते हैं क्योंकि एमपी में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच जाते हैं, अरविंद केजरीवाल राजस्थान में पहुंच जाते हैं क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव होने, और यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेताएं हैं उनको डर है कि अब जैसे दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की बुराई कर करके और कांग्रेस को उन्होंने खाया है, यहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सीटों पर यहां पर सेंध लगाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल की। और यहां पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिल्कुल भी यहां पर जो है इंडिया जो अलायंस हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर पंजाब में सरकार बनते ही पंजाब के कांग्रेस नेताओं पर यातना यहां पर जो है आम आदमी पार्टी सरकार ने शुरू कर दी है। कई नेताओं को वहां पर जेल में डाला गया है, कई नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई और सीधा सीधा यहां पर कांग्रेस को ही पूरे गेम से हटाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे इंडिया अलायंस में लाकर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हैं। और देखा गया कि INC के ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल का बयान चलता है, उनका रिकॉर्डेड इंटरव्यू चलता है। यहाँ पर कांग्रेस तो दोस्ती निभाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अभी भी अपनी राजनीति पे मौजूद हैं और अपनी पार्टी को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं, जिसका विरोध अब यहाँ पर पंजाब के कांग्रेस नेता लगातार कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस में केजरीवाल का साथ होना बिल्कुल भी कांग्रेस के लिए खतरे से खाली नहीं है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।